उगता है, सच की चोंच नोकीली है। सच इसलिए ताना रहता है, झूठ की तह खोखली है। फर्क करती नहीं तिनका, सब बराबर तोलती है। हो जितने मुंह उतनी बातें, कि सुर्खियां सच बोलती है। सच कहे, सच सुने, सच देखे, इंडियन आईज 24 न्यूज। देखिए, प्रारंभ से ही हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दोबारा सत्ता में लाने के लिए कोई बहुत बड़ी कोई लहर या बहुत बड़ा एक जन समुदाय की सोच ऐसा कहीं परिलक्षित नहीं हो रहा था। 11 अप्रैल को जो चुनाव प्रचार, चुनाव का पहला मतदान का पहला दौर शुरू हुआ, तभी महसूस हो रहा था कि मोदी जी के खिलाफ है माहौल। और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो 2014 में माहौल था, वो माहौल कतई नहीं है, बल्कि लोग कांग्रेस को सामने से आगे आकर के वोट देना चाहते हैं। वो धीरे धीरे चौथे, पांचवें, छठे फेज तक आते आते नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक बड़ी लहर के तौर पर निकल के आ गया। आप उत्तर प्रदेश या बिहार में देखेंगे, या यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में आप देखें या दिल्ली में देखें, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में एक माहौल है। यहाँ पर कम से कम नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरा माहौल दिख रहा है। तो उनको जितना कहना है, जो भी कहना है कहने दीजिए। सच यह है कि हिंदुस्तान में इस समय परिवर्तन की एक लहर चल रही है। हिंदुस्तान के मतदाताओं ने यह तय कर रखा है कि दोबारा नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, और इसलिए जब 23 मई को मशीनें खुलेंगी तो बहुत ही बड़ा एक हंगामा होगा, बहुत बड़ा एक विस्फोटक का नतीजा निकल के, और उस नतीजे में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों की सरकार जाएगी। देखिए, अगर नरेंद्र मोदी जी को कोई बचा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ ईवीएम मशीनें बचा सकती हैं। ये जो बार बार कह रहे हैं, कभी अमित शाह की तरफ से आता है, कभी उनके और मंत्रियों की तरफ से बयान आता है कि 300 से ज़्यादा सीटें हम जीतेंगे और 2014 के रिकॉर्ड को हम तोड़ देंगे। माफ़ करिए, ऐसा कहीं कोई माहौल नहीं है, ऐसा कहीं लोगों के अंदर कोई उत्साह नहीं है मोदी सरकार को लिए, ऐसा कोई जोश नहीं है मोदी सरकार को लेकर। और इसलिए अगर मोदी के लोग और मोदी जी स्वयं इस प्रकार का दावा करते हैं तो यह खोखला दावा है, और यह दावा एकमात्र उसी परिस्थिति में कामयाब होता हुआ दिख रहा है अगर इन मशीनों में कोई छेड़छाड़ की और कोई बेईमानी की है। तो ईमानदारी से लोग नरेंद्र मोदी को दोबारा सत्ता में लाने के खिलाफ ने, हम तो कम से कम जो प्रधानमंत्री है देश का और जिसके कामकाज के ऊपर मूल्यांकन होना है उसके खिलाफ बोल रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं उनके शब्दों में। लेकिन नरेंद्र मोदी तो उन लोगों को गालियां देते हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं। नरेंद्र मोदी पूरा चुनाव पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी पूरा चुनाव राजीव गांधी जी के नाम पर लड़ रहे हैं। हम भी तो ये बार बार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी 5 साल आप सत्ता में रहे हैं, आपने बेरोजगारी दूर करने के लिए, देश में महंगाई को खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, काला धन लाने के लिए और सामाजिक एक समरसता को बरकरार रखने के लिए आपने क्या किया। आइए इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, आपकी GST पे चर्चा होनी चाहिए, आपके नोटबंदी का जो कायदा था जो अपने आप में एक हमला था भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर, इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन वो जानबूझ के राजीव जी के 30 साल पुराने किसी प्रकरण के ऊपर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, उस पर लोगों को वोट मांग रहे हैं। तो इसलिए नरेंद्र मोदी स्वयं नहीं चाहते कि उनके 5 साल के कार्यकाल के ऊपर कोई चर्चा होनी चाहिए चुनाव प्रचार में, जबकि हम बार बार हम अपने एकदम अपने घोषणा पत्र को लेकर लोगों के सामने खड़े हैं। राजीव गांधी जी बार बार एक हमारा नारा ही अब होगा न्याय, मतलब न्याय योजना से शुरू होती है हमारी पूरी प्रचार की जो प्रक्रिया है, वह कैसे हम आने वाले दिनों में इस देश के नौजवानों के ऊपर न्याय करेंगे, किसानों के साथ न्याय करेंगे, मजदूरों के साथ न्याय करेंगे, इन सारे विषयों का एक पूरा ब्लूप्रिंट हमने लोगों के सामने रखा है। मोदी जी एक बार भी अच्छे दिन आएंगे फिर से या आने वाले हैं एक बार भी नहीं बोल रहे, कालाधन लाने वाले हैं एक बार भी नहीं बोल रहे, बेरोजगारी की चर्चा उन्होंने पिछली बार कही थी कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, इस बार बेरोजगारी की चर्चा भी नहीं हो रही है। तो स्वयं नरेंद्र मोदी जी अपने कार्यकलापों के ऊपर, अपनी उपलब्धियों के ऊपर चर्चा नहीं होने देना चाहते, ये हम बार बार शिकायत कर रहे हैं। यूपी और गुजरात का, खासकर सूरत वाला जो चुनाव था, वो अपने आप में एक संदेहास्पद विषय है। यूपी के चुनाव के नतीजों पर आज तक यूपी के लोगों को भरोसा हुआ ही नहीं। जो कह रहे हैं कि 300 से ज्यादा सीटें हम लेकर के आए और नोटबंदी के ऊपर पूरा चुनाव हुआ, ये सरासर बकवास है, उसमें निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बेईमानी की गई। गुजरात में भी बीजेपी के खिलाफ एक जबरदस्त वातावरण था, सिर्फ आखिरी दौर में सूरत में कैसे परिस्थितियां पलटी अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है। ये नहीं कह सकते कि GST का एक बार मूल्यांकन हो गया क्योंकि सूरत में उनकी सीटें आ गई, ये नहीं कह सकते कि नोटबंदी के फैसले का मूल्यांकन हो गया क्योंकि यूपी में वो जीत गया, जी नहीं।
पूरे 5 साल नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, यह लोकसभा चुनाव का मुद्दा होना ही चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी से पूछिए कि अपने भाषणों में वो नरेंद्र और ये नोटबंदी की चर्चा कितनी बार कर रहे हैं, अपने भाषणों में GST की चर्चा वो कितनी बार कर रहे हैं, अपने भाषणों में रोजगार कितने दिया आज तक, किसी आज तक कभी किसी को बताया पूरे देश के चुनाव प्रचार के दरमियान? तो स्वयं नरेंद्र मोदी ने पूरे 5 सालों में इस देश को तबाह और बर्बाद किया है, और इसलिए उन्हीं के नाम पे, उनको पराजित करने के नाम पर यह चुनाव प्रचार होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा लाने की बात नहीं हो रही है, अब की बार एक बार फिर मोदी सरकार, तो हमको मोदी सरकार को रोकना है तो मोदी पे ही अटैक करना पड़ेगा, और किस पे अटैक करें? हाँ बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से एक जुबानी जंग भी शुरू हो गई, जब प्रियंका गांधी जी की बात करें, राहुल जी की बात करें, आपने खुद चूंकि बनारस में थे, आपने औरंगजेब से तुलना कर दी कि वो दूसरी, क्या कहेंगे इस तरीके से जुबानी जंग चली है? वो सारी बातें तो होंगी, वो जब चुनाव प्रचार होता है तो जिसके खिलाफ आप भाषण देते हैं उनकी प्रवृत्तियों के ऊपर एक टीका टिप्पणी और इस तरह की बातें होती रहती है, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हम भी चाहते यही हैं कि जो मोदी जी का कर्तृत्व है, उन्होंने जो काम किया, उन्होंने जो लोगों के सामने अपनी तरफ से जो उपलब्धियां प्रस्तुत की है, उनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी खुद नहीं चाहते हैं कि उनकी उपलब्धियों पर चर्चा हो, क्योंकि कोई उपलब्धि है ही नहीं। और पलट कर पूछे कि नरेंद्र मोदी जी के 5 साल के कार्यकाल की क्या उपलब्धि, स्मार्ट सिटी का कोई जिक्र नहीं होता, डिजिटल इंडिया का कोई जिक्र नहीं होता, स्टार्टअप इंडिया का कोई जिक्र नहीं होता, मेक इन इंडिया का कोई जिक्र नहीं होता। एक बार भी नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि मेक इन इंडिया के तहत हिंदुस्तान में इतनी तरक्की हुई। डिजिटल इंडिया, स्वयं उनका बीजेपी का वेबसाइट एक बार अगर क्रैश होता है तो कितने दिन लग जाते ठीक होने में। तो खुद नरेंद्र मोदी जी अपने तमाम नारों को भुलाने का प्रयत्न कर रहे हैं चुनाव प्रचार में, कभी वो नारों के आधार पर वोट नहीं मांग रहे। सर लगता है जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर वाला की वो चुनाव हो चुका है लड़ी, क्या लगता है उसका असर पूरे देश भर में हिंदुत्व पर पड़ेगा, जिस तरीके से हिंदुत्व के नाम पे चुनाव? मेरे ख्याल से प्रज्ञा सिंह ठाकुर को उम्मीदवार बनाना नरेंद्र मोदी जी का और बीजेपी का बहुत गलत डिसीजन था। इसका असर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पड़ा, और भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा क्या है यह एक्सपोज हुआ, उजागर हुआ। क्योंकि प्रज्ञा सिंह ठाकुर कुछ भी हैं तो मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट की एक अभियुक्त है, अभी भी वो जमानत पे है, अभी भी पूरे मामले की जांच चल रही है। वो बची इसलिए हैं या जेल से बाहर इसलिए आई क्योंकि सरकार बदल गई, क्योंकि इनकी सरकार आ गई, और ये तो जितने भी इनके पापी हैं, गुनाहगार हैं, उन सबको बचाने में लगे रहते हैं। तो ऐसे में आतंकवाद के एक अभियुक्त को उम्मीदवार बनाना मुझे लगता भारतीय जनता पार्टी की बहुत गलत, उसका बहुत बड़ा बहुत गलत फैसला था, और उस फैसले की सजा भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता देगी, और जनता ऐसे फैसलों को लाइक नहीं करेगी। ये सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है, आतंकवाद का कोई जाति या धर्म नहीं होता, आतंकवादी हर समाज में होते हैं, हर धर्म से जुड़े लोग होते हैं, और ऐसे में किसी एक धर्म को आतंकवाद से जोड़ना मुझे लगता है गलत फैसला होगा। जो लोग एक जिहाद कर रहे हैं वो भी आतंकवादी हैं, और जिन लोगों ने मालेगांव ब्लास्ट है, समझौता ब्लास्ट किया, वो भी आतंकवादी हैं। हो सकता है वो अलग अलग धर्म या मजहब के हो, लेकिन आतंकवादी किसी एक कम्युनिटी में ही होता है, और एक कम्युनिटी में हो ही नहीं सकता। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। गलत लोग, एंटी नेशनल, एंटी सोशल, टेररिस्ट टाइप के लोग हर समाज में, हर परिवार में होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन उसकी वजह से पूरे समाज को, पूरी जाति को एक ब्रांडेड कर दिया जाए, यह गलत होता है। उसको ये कहना कि पहला हिंदू आतंकवादी नाथूराम गोडसे था, मुझे लगता है थोड़ा गलत है और आपत्तिजनक मुझे भी लग रहा है। उसको हिंदू आतंकवादी कहने के बाद एक एक व्यक्ति जिसने गांधी की हत्या की, उसको देश ने कभी माफ नहीं किया और कभी माफ नहीं करेगा। और ऐसे में ऐसे हत्यारे सिर्फ हिंदू ही होते हैं, सिर्फ मुस्लिम ही होते हैं, सिर्फ एक खास समाज के होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हर समाज में भी, हर समाज में गलत प्रवृत्ति के लोग पैदा होते हैं, लेकिन उसी गलत प्रवृत्तियों की वजह से उस पूरे समाज को ब्रांडेड किया जाए, उस पूरे समाज को बदनाम किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ये तो इनके सारे मुद्दे फेल हो चुके हैं। लोगों को, इस देश के हिंदुओं को भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं रह गया है। ये पिछले 26 वर्षों से बीजेपी के जितने भी घोषणा पत्र जारी हो रहे हैं उसमें राम मंदिर हम बनाएंगे अयोध्या में, इसकी घोषणा होती है, और जब चुनाव आता है तो चुनाव प्रचार के दरमियान इसकी घोषणा होती है, चुनाव के बाद अगर इनकी सरकार बन जाती है तो ये भूल जाते हैं, नहीं बनती है तो वैसे भी भूल जाते हैं। तो लोगों को साफ साफ दिख रहा है, धारा 370 हो या समान नागरिक कानून हो या राम मंदिर हो, यह महज एक चुनावी नारा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इसलिए इस चुनाव में भी इन विषयों का कोई खास असर नहीं है। नहीं, प्रियंका गांधी जी बनारस से चुनाव लड़े ऐसा कोई प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी में था ही नहीं,
यह मीडिया के अंदर का एक प्रचार था, मीडिया के अंदर किस तरह की चर्चा चल रही थी कि इनको चुनाव लड़ाना चाहिए, लड़ा भी सकती थी पार्टी, लेकिन ऑलरेडी वहां पर एक अजय राय पिछली बार लड़े थे, वो एक उम्मीदवार थे, और दूसरी बात कि सभी लोग चुनाव लड़ेंगे तो प्रचार कौन करेंगे, और तीसरी बात कि अंततः कांग्रेस अध्यक्ष तय करते हैं कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा और किसको नहीं लड़ना है। यह कांग्रेस अध्यक्ष का एक प्रेरोगेटिव था, उनकी उनका उनका एक फैसला था, और उस फैसले को हम सब ने स्वीकार किया, और अगर चुनाव लड़ती तो भी ठीक होता, नहीं लड़ी तो भी कोई दिक्कत है। पिछले फेज में भी 59 सीटों के चुनाव थे, इस फेज में भी 59 सीटों के चुनाव हैं, लगभग ये आखिर के दो फेज में 118 सीटों पर वोटिंग हो रहा है, 450 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, 450 प्लस अब 59 भी हो गया, लगभग समझ लीजिए कि अब 500 के आसपास सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। तो आखिरी दौर की सीटों पर भी जो वोटिंग हो रही है उसमें भी अभी तो हाल के दिनों में नरेंद्र मोदी जी ने इतनी गलतियां कर दी है, लोग उन पर इतना हंस रहे हैं, चाहे वो बादलों में रडार का सिग्नल काम नहीं करता वो विषय हो, एक बहुत ही बचकाना किस्म की बात प्रधानमंत्री स्तर पर बैठे हुए एक व्यक्ति कर रहे हैं, दूसरी बात जो कल उन्होंने कहा एक इंटरव्यू में कि 1986 और 87 में उनके पास डिजिटल कैमरा था और वो ईमेल से भेजते थे जब उस समय इन सब चीज़ों का इजाद ही नहीं हुआ था। तो ऐसे में प्रधानमंत्री एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू दे रहे हैं और प्रधानमंत्री यूं ही फेंके जा रहे जो मन में आ रहा है, यह प्रधानमंत्री के गरिमा के खिलाफ है। तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है उससे और बीजेपी को सातवां फेज आते आते नुकसान हो सकता है, ऐसा मुझे साफ साफ दिख रहा है। यानी 19 मई को जो वोटिंग होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी को अब तक के तमाम चरणों में जो वोटिंग पड़ा है उससे कम होगा, बल्कि उससे ज्यादा उनके खिलाफ वोटिंग होगी बीजेपी के खिलाफ। आंकड़ों में बात नहीं की जा सकती है, बड़े बड़े विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि पहली बार हिंदुस्तान का एक ऐसा चुनाव हो रहा है जिसके फैसलों के बारे में, जिसके नतीजों के बारे में एग्जैक्ट आंकड़ा देना किसी के बस की बात नहीं। जब बड़े बड़े विशेषज्ञ नहीं दे रहे हैं तो मैं कहां से दे सकता हूं, लेकिन मुझे साफ साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जाने की घड़ी आ चुकी है, नरेंद्र मोदी जी की वापस सरकार नहीं बन रही है और आने वाले दिनों में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस के नेतृत्व में बाकी सहयोगी दलों की सरकार बनेगी, लेकिन नरेंद्र मोदी या बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियन आईज 24 न्यूज, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, press the bell icon for future notifications, click on the like button, must do share the link, thank you.